तो आप सबने बिफोर यू के बारे में काफ़ी सुन लिया कि स्कैम है ये वो पता नहीं क्या क्या एक्स वाई जेड, और समा न्यूज़ वालों ने भी अपने अखबार के अंदर ये चीज़ अपलोड की थी कि बिफोर यू ने स्कैम कर दिया लिसानी के साथ साथ ये वो एक्स वाई जेड। 7 तारीख की ये बात है, तो अब इसका क्या रिएक्शन हुआ है बिफोर यू की तरफ से आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और ये स्कैम है या नहीं है ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ जो फेक बिफोर यू के ख़िलाफ़ समा न्यूज़पेपर में आई थी, उसका आंसर CEO सैफुर्रहमान ने दे दिया। अच्छा तो भाई क्या आंसर है मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सुन लेना एज अ प्रूफ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम तमाम बीफयू टॉप लीडर, बीफयू मेंबर, जहाँ कहीं पे भी आपको समा की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक ग्रुपों में, तो उसके जवाब में ना ये लीगल नोटिस वहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि देखने वालों को पता चले कि ये कोई राह चलती हुई कंपनी नहीं है कि जो भी उठे और मुंह उठाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप ये सारी चीज़ें जो है ना आप उसको लुक आफ्टर करें, और जहाँ पे भी वो शेयर करते हैं किसी भी ग्रुप में और आपसे सवाल पूछते हैं कि जी ये अखबार ने आपको लीगल नोटिस भेजा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, तो ये फिर उसको उनको जवाब दें कि हमारी लीगल टीम इसके ऊपर एक्शन कर रही है। तो भाई ये था सैफुर्रहमान का जवाब, ठीक है? और नोटिस क्या है, नोटिस ये है, ये भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। बट उससे पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनको पता है कि बिफोर यू का अभी तक सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और टीम लीडर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई हैं, और जिसने भी ट्रस्ट किया वो बिफोर यू को किया है, तो टारगेट भी बिफोर यू को ही बनाया जा रहा है। इससे पहले जितनी भी दफ़ा ये सब कुछ हुआ है तो उसके अंदर सैफुर्रहमान साहब ने, जो कि बिफोर यू के CEO हैं, तो उन्होंने नज़रअंदाज किया है, ठीक है? बट अब इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं तो उसको नज़रअंदाज वो नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, ठीक है? तो अब नोटिस क्या है मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बी फोर यू वाहिद है जो कि आज पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बन चुका है, तो हम इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं कि नोटिस उन्होंने क्या दिया है। तो अब आप ये गौर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा इन्होंने समा वालों के ऊपर दिया है, जो कि इन्होंने मतलब कि गलत न्यूज़ अपलोड की और ये सोचा कि ये पागल बना देंगे बी फोर यू वालों को, या कुछ भी आप गलत छाप दो, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको अगर PDF चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है? कि मतलब कि इस तरीके से समा न्यूज़ वालों ने ये गलत ये अपलोड की है, और ये उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे साइन हो चुके हैं और यहाँ पर इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो गई। और अगर अभी ये चीज़ सही हो गई तो उसके बाद क्या होगा मैं आपको आगे चीज़ एक और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैसेज सुन लो। अस्सलामुअलैकुम बिफोर यू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी 7 तारीख को बिफोर यू के ख़िलाफ़, उस पर CEO साहब ने आज 12 तारीख को इन्हें लीगल नोटिस भेजा है कि इसको प्रूव करें, और अगर ये प्रूव नहीं कर सकते तो ये इनको हर्जाना देना पड़ेगा, और जो भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह इनके ख़िलाफ़ हो सकती होंगी। तो ये आप देख लें कि पहले तो CEO साहब खामोश हो जाते थे कि यार चलो ठीक है, ये यूट्यूब और फेसबुक पे जो खबरें चल रही थी उस पे तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर पे ये चीज़ें लोगों ने पोस्ट की हैं और इनके इस किस्म की चीज़ें की हैं, तो अब CEO साहब ने भी जो है इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला किया, और कोई भी आदमी लीगल एक्शन उसी वक्त लेता है जब वो खुद परफेक्ट काम कर रहा होता है और लीगली काम कर रहा होता है। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा एक लीगल नोटिस है, आप जिसने वो नहीं पढ़ा वो उसको पढ़ ले। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें थी आपको बताने का और दिखाने का मकसद प्रूफ के साथ, इस वजह से था ताकि आप ये चीज़ देख सको। जो लोग मेंबर हैं उनको सब कुछ पता है, ठीक है, क्या रियलिटी है क्या नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे काम करते हैं,
तो जो लोग न्यू मेंबर हैं या जो लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं, तो वो अब आपके सामने है कि आप देख सकते हो। तो भाई हर कोई ऐसे ही नाम नहीं लगाता, बात असल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है कि वो चाहती है कंपनी के हम यहाँ पे इसकी जगह ले लें, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि जो सही काम कर रहा होगा उसको वो चीज़ बुरी लगेगी और वो वहाँ पे रिएक्शन देगा। वरना इसके अलावा जितने भी लोग स्कैम वीडियो है ये वो सब कुछ बनाते हैं, तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता होता है कि सब कुछ स्कैम वाकई ही है। ठीक है, तो सच का हमेशा हर कोई साथ देता है और वो खड़ा भी होता है। तो ये आज सैफुर्रहमान ने किया और ये न्यू अपडेट थी जो कि आपको देनी थी। तो दुआओं में याद रखना, जब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।